तो गाइस ये है हमारी फिटकरी। हम सबसे पहले इसको क्रश करेंगे, बस हल्का हल्का ही क्रश करना है हमने, ज़्यादा बारीकी से नहीं पीसना, बस ऐसे ही क्रश करते जाना है। तो हमने इसको हल्के से पीस लिया है और अब हम एक फ्राइंग पैन लेंगे और गैस ऑन कर देंगे, फिर पीसी हुई फिटकरी को इसमें डालेंगे। जैसे ही हम इसको डालेंगे वैसे ही ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। हमने तब तक इसे गर्म करना है जब तक कि ये सारा इसका जो पानी है वो एवेपोरेट नहीं हो जाता। फिटकरी को हम एज अ वाटर प्योरीफायर तो यूज़ करते ही हैं, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं गाइस। अगर आप इसको स्किन पे अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। ये एक्ने को ट्रीट करता है, पिंपल्स को, आपकी स्किन को टाइट बनाता है, रिंकल्स को रिड्यूस करता है, इवन अनवांटेड हेयर को रिड्यूस करता है। इसके अलावा अगर आपको डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम है तो ये डैंड्रफ को भी रिड्यूस करता है। अगर कट वगैरह लग जाए आपकी स्किन पे तो उसकी ब्लीडिंग को भी ये रिड्यूस करता है। तो गाइज इसको कैसे यूज़ करना है, किसके साथ मिक्स करके यूज़ करना है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी खुद पर यूज़ करके। सो गाइज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज। तो गाइज अब ये काफ़ी ज़्यादा वेपोरेट हो गया है, अब हम इसको थोड़ा टाइम और गर्म करेंगे फिर गैस बंद कर देंगे। तो गाइज अब हमने गैस भी बंद कर दी है एंड इसका सारा पानी वेपोरेट भी हो गया है। तो गाइज अब हम इसको फ्राइंग पैन में से निकालेंगे। जैसे कि ये चिपक गई है तो हम थोड़ा जोर लगाकर इसको निकालेंगे इसमें से। तो अब हमने इसका पाउडर निकाल लिया है। अभी भी गाइज ये जो पाउडर है वो थोड़ा रफ सा है, अब हम इसका ना फाइन पेस्ट बनाएंगे इसको मिक्सर में ग्राइंड करके। अब मैंने इसको मिक्सर में डाल दिया है, देखिए गाइस बिल्कुल फाइन पेस्ट बन गया है और अब आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाय एवरीवन।